नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो एग्ज़ाम है वो दो शिफ्टों में आपका था, 15 और 16 अक्टूबर, जो कि फिनिश हो चुका है। उसमें से कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो कि ईजी थी, कुछ शिफ्ट ऐसी थी जो कि मॉडरेट थी, और एक शिफ्ट शायद हार्ड भी थी उसमें, लेकिन हार्ड नहीं कह सकते, मॉडरेट ही कह सकते हैं। ईजी टू मॉडरेट पेपर था, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड भी पेपर नहीं था। तो अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं तो देखिए, मेरा 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम था, जो कि इस बार मेरा काफ़ी कम स्कोर आया है। पिछली बार जो पैट था वो मेरा क्लियर था, और अब के बार वाले में मेरे लगभग हो सकता है 55 के आसपास नंबर बन सकते हैं, जहाँ की मैंने जो मैच किया है अभी यूट्यूब से आकर के। तो आप सभी भी, आपके पास आपका पेपर है और आंसर शीट है तो आप बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, किसी भी चैनल से आप अपना चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। सभी चैनल का एनालिसिस लगभग सही ही होगा, ठीक है, जिस पर आपको ट्रस्ट हुआ। तो इसके अलावा देखिए, पैट का जो पिछले बार मेरा एग्ज़ाम क्लियर था, उससे लेखपाल का मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन इस बार मैंने खुद ही तैयारी नहीं की थी। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम हार्ड था और तो स्कोर कट ऑफ कम जाएगा या ये सब नहीं, क्योंकि तैयारी में कहीं ना कहीं कमी थी, वो मेरी कमी की तैयारी थी, तैयारी में कमी थी, ठीक है, क्योंकि मैंने लगभग 2-3 महीने से तैयारी बिल्कुल छोड़ रखी है। तो इस वजह से, और अब जो आगे एग्ज़ाम आएंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट से, वो जूनियर असिस्टेंट, वीडियो, लोअर पीसीएस, कोई भी एक भर्ती आ सकती है। तीनों भर्ती तो मुश्किल है अब की बार, क्योंकि अगले साल फिर इनको पैट कराना है और पैट के माध्यम से फिर एक भर्ती ही निकाल सकते हैं। तो इसी वजह से मेरा थोड़ा ज़्यादा मैंने तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि पैट देने से कोई फ़ायदा था, नहीं था। तो पिछली बार भी लोग जब पैट दे करके आए तो इतने उत्सुक थे कि पैट अगर क्लियर हो गया तो समझो नौकरी पक्की हो जाएगी, ये सब इस तरीके से, तो एक भ्रम था वो। उत्तर प्रदेश में क्या हो चुका है, पैट और टैट, ठीक है, दो एग्ज़ाम आपके लगातार लिए जा रहे हैं। यूपी पे टैट हमेशा और सुपर टैट का कहीं नाम और निशान नहीं, जिन लोगों ने भी बीएड कर रखी होगी उनको पता ही होगा कि क्या दशा चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर ही क्या दशा चल रही है। सी टैट दो बार दो, पैट एक बार दो, टैट एक बार दो, तो तब जा करके आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। यूपी पैट का भी अब हर साल का यही सीन है कि आप हर साल पैट दोगे, फिर एक भर्ती आएगी और उस भर्ती में भी धांधलेबाजी। अब देखिए, यूपी में 15,000 वैकेंसीज आई थी और उसमें 8,000 वैकेंसीज थी और 15,000 उसमें बताया गया है कि धांधली वाले लोग हैं। तो इतने धांधली होने के बावजूद जो है ऐसा सरकार को पता है, फिर भी ये सब चीज़ें बंद नहीं हो रही, ठीक। तो मैंने इसी वजह से थोड़ा सा तैयारी नहीं की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले लोग लगेंगे नहीं, तो बिल्कुल वो सिलेक्टेड होंगे। तो लगातार आप अपनी तैयारी को करते रहिएगा, ठीक है। पैट, जिनका भी पैट में कम स्कोर है वो देखिए थोड़ा सा हताश ना हो, क्योंकि अभी जितने भी आपके नंबर हैं वो डिपेंड करेंगे वैकेंसीज़ के ऊपर कि कितनी वैकेंसीज आएंगे। अगर आपके पास वैकेंसीज 10,000 के आसपास आ गई तो आपका 60 स्कोर में भी 60-65 नंबर तक आप सेफ रहोगे। अगर वैकेंसी आती है 800 तो फिर आपको 70 तक नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो सारा कुछ खेल अभी वैकेंसीज का है, सेफ स्कोर आपका जो भी है ठीक है, अभी आप रख लीजिएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करेगा वैकेंसीज़ के ऊपर। देखिए, जैसे हरियाणा सरकार है आपकी और दूसरी सरकार है, वो क्या करती हैं, अपने प्रदेश के अंदर जो इनके एग्ज़ाम होते हैं उनसे ही वे जो ग्रुप डी की भर्तियां हैं वो कराती हैं, ग्रुप सी की भर्तियां तो कराती हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रुप डी की भर्ती का तो बिल्कुल भी नाम नहीं है, वास्तविकता में ग्रुप सी का भी नाम नहीं है। देखिए, अगर रियलिटी में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें 75 ज़िले हैं और उनमें लगातार तहसीलों की संख्या आप देख लीजिएगा कितनी है। अगर हर एक तहसील में एक तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी पैट उनके लिए लागू कर दिया जाए जो उसको क्लियर करेगा, ठीक है, तो वो वहीं ना कहीं उसको जॉब मिलेगी। तो जॉब मिलेगी तो जो 50 नंबर 55 नंबर पर भी आ रहे हैं उनके भी चांस बढ़ेंगे ग्रुप डी जैसी वैकेंसीज में। और ग्रुप डी में भी सैलरी आपको अच्छी खासी पता है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में लग जाते हो तो 20,000 के आसपास आपकी 20-25 तो मिनिमम आपका स्टार्टिंग होता ही होता है। तो ग्रुप डी की अगर वैकेंसीज निकाली जाए तो कम से कम जहाँ तक एक आइडिया लगा करके चलें तो हर साल 15,000 से 20,000 तक भर्ती हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी ट्रिपल एस सी पैट से, अगर सरकार चाहे तो। लेकिन अभी देख लीजिएगा यूपी में क्लर्क में क्या सीन चल रहा है, यूपी क्लर्क की भर्ती लिपिक एडिट की आई, उसमें कोई फॉर्म का सही पता नहीं, कोई जिले का सही पता नहीं, उसमें फिर टाइपिंग और वहीं धांधलेबाजी सब कुछ होकर के वो जो लगने होंगे वो लग जाएंगे, ज़्यादा संख्या में उसमें पोस्ट भी नहीं है होंगी, और ठीक है। तो इस वजह से अगर वास्तविकता में जिस तरीके से सभी एसएससी फॉर्म निकालती हैं तो स्कूलों के क्लर्क का फॉर्म निकाला जाए, उसको फिलअप कराया जाए सही तरीके से, उसका एग्ज़ाम लिया जाए, उसकी टाइपिंग सही तरीके से कराई जाए, जैसे एक प्रोसेस होता है, ठीक है, उस प्रोसेस को अपनाया जाए तो प्रोसेस के तरीके से सब कुछ सही होगा। दूसरी बात एक धांधली, और दूसरी बात अब की बात थोड़ा सा चीटिंग का भी इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, जहाँ मेरा सेंटर था उस सेंटर में क्या था, प्राइवेट स्कूल के अंदर वो सेंटर था, ठीक है, प्राइवेट लोग ही जो टीचर्स थे वो
एग्ज़ाम कराने में लगे हुए थे, उनको जो फॉर्मेलिटी होती है वो सही तरीके से जानकारी भी नहीं थी उनके पास अटेंडेंस टाई भरने के लिए, तो वो काफ़ी देर तक उसी में ही पिछले रहे कि क्या करना है हमें, किस में क्या लिखना है। बार बार उनके पास उधर से ऑफिस से कोई कुछ लोग आते थे, कुछ बताते थे उनको, तो एक मैडम थी और एक सर थे, काफ़ी देर तक वो करीबन एक घंटा उन्होंने ऐसी तरीके से काम में अपना निकाल दिया होगा, जिसमें कि जो पिछले साइड में बैठे हुए बच्चे थे जो कि एक ही जिले के बच्चे थे सारे, उनको पता ही होगा कि कुछ उनके जानकारी में भी थे, ठीक है, सभी जैसे मान लीजिए कोई मेरठ जिला है तो वो सारा का सारा एक ही जगह एक ही शहर में उनका सेंटर था, और वो लोग उनको आपस में जानते ही थे कि दो भाई भी थे, तो ऐसा भी था कि उनका एक ही रूम में एक बराबर बराबर में या आगे पीछे भी आ जाता है इस तरीके से, तो थोड़ा सा चीटिंग का माहौल बन जाता है, जो कि 2 घंटे का टाइम था बहुत टाइम था, थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव था वो मैथ था, लेकिन अगर जिसको जीके बतानी होगी तो तुरंत बता सकता था वो कि इसका आंसर ये है, ठीक है। तो इस तरीके की चीटिंग भी जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में कभी देखने को नहीं मिलती, उनको इतनी फुर्सत ही नहीं होती, यहाँ उस चीज़ का भी इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जो भी वैकेंसी जाएंगी तब जाकर के सेफ स्कोर का सही आइडिया लग पाएगा। सबसे बड़ी गलती जो हो रही है वो कहीं ना कहीं यूपी सरकार की हो रही है, एक तो सेंटर इतनी दूर, लड़कियों के भी सेंटर इस तरीके से उन्होंने दे दिए हैं, और फिर ट्रेन के अंदर इतनी भीड़, तो देखिए एग्ज़ाम का लेवल हार्ड था मानता हूँ, और भीड़ भी तो इस अब की बार इतनी ही थी, पिछली बार ऐसी भीड़ नहीं दिखने को मिली आपको, करीबन 20 लाख फॉर्म थे उसमें से भी कुछ लोग एब्सेंट थे, और फिर उसके बाद दोबारा से जब 20 रुपये उनको फीस ली गई तो कम संख्या हो चुकी थी लेखपाल तक आते आते, लेकिन यहाँ पर 37 लाख है, और ये 37 लाख में से 20 लाख संख्या वो सेम की सेम है जो पिछली बार थी और अब की बार भी है, ठीक है। पिछली बार से और अब की बार में वे 20 लाख लोग कहीं नहीं गए, ठीक है, ज़्यादातर क्योंकि कोई भर्ती अभी रेलवे की भर्ती कर रेलवे में चले जाते तो भी कहीं ना कहीं होता कि हाँ इस तरीके से हो जाता। तो खैर मुझे अपना यूपी पैट का तो इतना दुख नहीं है जितना कि ग्रुप डी का दुख था, ठीक है। यूपी पैट तो अगले साल फिर आएगा, इसमें यही चांस है, और जो भी हैं इतने ज़्यादा सोच लेंगे कि मेंस में नहीं होगा, ठीक है। वहीं पैट का तो दे करके हमने खुद ही तैयारी नहीं की थी, तो हमें पता है कि इतना ही स्कोर रहने वाला था, मुझे पता ही था पहले से ही, और मैं सिर्फ ऐसे ही एग्ज़ाम दे करके आया था। कल परसों ग्रुप डी की आंसर की आई थी, कुछ तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा माइंड सही नहीं था, और काफ़ी चीज़ें आपको पता ही है आप सभी स्टूडेंट हो कि कैसा लगता है जब आप लगातार फेलियर की तरफ जाते हुए दिख रहे हों, लेकिन खैर मेरी तैयारी नहीं थी, मैंने पिछली बार मैंने क्लियर कर दिया था, लेखपाल का एग्ज़ाम दे रखा है, तो भी चलिए कोई नहीं, आगे SSC है उसकी तरफ देखेंगे या फिर कुछ और अपना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा ठीक है। ऐसे तो आप भी लोग कहीं ना कहीं आपके भी हो सकते हैं कम मार्क्स होंगे पैट में आपको लग रहा होगा, तो कोई बात नहीं, घबराइएगा मत, पैट से मत ज़्यादा घबराइएगा, आपके पास सामने अगले साल फिर मौका मिलेगा, और इसके 3-3 साल का 4-4 साल तो अभी लेखपाल का ही देख लीजिएगा, तब तक तो आप कहीं ना कहीं और भी जॉब ले सकते हैं, तो इसमें तो आप ज़्यादा मत घबराइएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा कि क्या होगा पैट का एग्ज़ाम नहीं हुआ और उसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी उनके अभी तो लेखपाल जो पिछले साल पैट वाले क्लियर होंगे, और आपका पिछले साल नहीं हुआ होगा या आपने पिछले साल फॉर्म नहीं भरा होगा तो वो भी आपके साथ ही हैं, वो भी आपके साथ ही उसी भीड़ में हैं, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा मत घबराइएगा, आप अभी जो भी एग्ज़ाम है आपका स्टेट का एग्ज़ाम है या फिर जो भी आपका अदर एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कीजिएगा, या जो भी आपका एम है जो भी आपने सोचा है वो जरूर कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपके मन में हो वो कीजिएगा, किसी की ना सुनिएगा। धन्यवाद दोस्तों।